Hello, very good morning to all of you students. Myself Dr. Rajan Sharma. Today I'm going to discuss a topic that is the improvement of food resources. So first, sabse pehle, we'll go through this chapter in the form of questions. So the first question is basically what is the need for increasing the food production? So beta, food production ki hame requirement kyun? Hum kyun food production ko increase kare? Dekhiye, sabse pehle karan iska ye aata hai ki jo hamari population hai, wo hamari increase hoti ja rahi hai. ठीक है, हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है. अब इतनी पॉपुलेशन को फीड करना, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन को फूड देना, फूड देने के लिए हमें अपनी जो ग्रोथ है, हमें अपनी जो एग्रीकल्चर, जो हमारी फूड प्रोडक्शन है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. सबसे पहले कारण तो ये आता है कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके लिए इसको फीड करने के लिए आपको अपनी ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी. सेकेंड पॉइंट ये आता है बेटा, ऐसा है कि हमारी जो लैंड है, एरिया ऑफ लैंड है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, कमर्शलाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो लैंड है वो कम पड़ती जा रही है. तो अब कम लैंड पे भी आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय द इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज. ठीक है, अब ये जो प्रोडक्शन है या क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, ये लाइफ स्टॉक को आप कैसे इंक्रीज कर, लाइफ स्टॉक का मतलब एनिमल्स को जो आपको कमर्शियल वैल्यू, जो आपको प्रोडक्ट देते हैं, जैसे काऊ वगैरह हो गए, अब उसको आप क्या कर सकते हैं, उनकी जो उनका जो नंबर है, उनका जो ग्रोथ पैटर्न आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप साइंटिफिक प्रैक्टिस को यूटिलाइज करेंगे. तो साइंटिफिक प्रैक्टिस जैसे कैसे है, जैसे आप क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करेंगे, जैसे मिक्स फार्मिंग करते हैं. मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि आप दो अलग अलग क्रॉप्स आप एक साथ क्या करते हो, क्रॉप बेसिकली ग्रो करते हो, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ठीक है. तो ये बी कीपिंग करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, फिशरिंग करते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, हमारा जो एक तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न और हमारा जो लाइफ स्टॉक का नंबर, वो क्या हो सकता है बेटा, इंक्रीज हो सकता है. अब देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप कौन कौन सी होती है. क्रॉप सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आता है जो सीरियल्स लाइक राइस, वीट, मेज, मिलेट्स एंड सोगम, ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. और जो हमारे पल्सेस होते हैं, जैसे पी होता है, बीन्स होता है, ग्राम्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं. कुछ हमारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो हमें ऑयल देते हैं, फैट्स देते हैं, जैसे ग्राउंड नट हो गया, कैस्टर हो गया, मस्टर्ड हो गया, हमें फैट्स देते हैं. अब वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट, ये हमें क्या देते हैं, विटामिंस, मिनरल्स देते हैं. और इसमें मेनली हमारे विटामिंस और मिनरल्स होते हैं और सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है. अब ऐसा है कि कुछ हमारा जो फोडर होता है, फोडर क्रॉप बोलते हैं, जो क्रॉप आप लाइफ स्टॉक के लिए, एनिमल्स के लिए ग्रो करते हैं, जैसे काओ के लिए ग्रो करते हैं, उनको देने के लिए जो हम बेसिकली क्रॉप ग्रो करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं फोडर क्रॉप, ठीक है बेटा. अब डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. ऐसा है कि हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशन होती है. कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर अलग होता है और दिन के समय में कितनी सनलाइट उनको चाहिए, जितनी सनलाइट उनको चाहिए उसको बोलते हैं फोटो पीरियड्स, क्लियर. अब बेटा ऐसा है कि अगर आप सीजन के बेस पे क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो हमारी क्रॉप दो तरह की आती है, नंबर वन इज खारिफ क्रॉप, नंबर सेकंड इज रबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप का मतलब होता है जो क्रॉप सिर्फ जो बेसिकली आप रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं, जैसे जून से लेकर अक्टूबर तक जो क्रॉप आप रेनी सीजन में ग्रो करवाते हैं जून टू अक्टूबर, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप. जैसे एग्जांपल इसमें पैडी आ जाता है, राइस, सोयाबीन, मेज, पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड कॉटन, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप. अब रबी क्रॉप का मतलब होता है जो क्रॉप आप बेटा विंटर सीजन में ग्रो करवाते हैं, जैसे नवंबर से लेके अप्रैल तक जो क्रॉप आप बेसिकली विंटर में ग्रो करवाते हैं उसको रबी क्रॉप बोलते हैं. जैसे वीट हो गया, इसमें ग्राम हो गया, पिस्टर्ड हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, ये सब आपके पास रबी क्रॉप आ जाते हैं, ठीक है. अब बेटा थर्ड, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कैसे की जाए, हाउ कैन वी इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड. क्रॉप यील्ड का मतलब आपकी जो क्रॉप की जो पैदावार है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए. तो इसके हमारे पास बेसिकली तीन मेथड्स हैं. अगर आप क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर दें, क्रॉप की वैरायटी का मतलब जो सीड है ना उसी में आप चेंज कर दें, है ना. सेकेंड पॉइंट क्या, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, मतलब कि आप ना क्रॉप को प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट ले आए, जैसे आप प्रॉपर अच्छे आप बेसिकली फर्टिलाइजर्स यूज करें, आप मैन्यूअर्स यूज करें, प्रॉपर इरिगेशन करें, ठीक है. थर्ड पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने क्रॉप को इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से क्या करना है, बचाना है ग्रो करने में. तो ये तीन कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट. क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जो फार्मर है, जब उसको क्रॉप ग्रो कराना, सबसे पहले क्या करता है, वो एक अच्छी क्वालिटी की सीड लेकर आता है, ठीक है. अब जैसे मान लो कि दो प्लांट है, मान लीजिए ए और बी प्लांट है, ठीक है. ए प्लांट की आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और बी प्लांट जो है उस पर डिजीज नहीं लगती कोई भी, ठीक है. ए प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है और बी प्लांट पे कोई डिजीज नहीं लगती.
अगर आप दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस करवाओगे, मतलब कि इनकी आपस में